हम जो बातचीत कर रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन अभी। यस सर, आप अपना परिचय दें। आप बाबूलाल गुप्ता पिपरसानिया। ओके बेसिकली हम पलेरा के रहने वाले हैं, पलेरा के पास हमारा गांव है, भोपाल में रहते हैं। ओके बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपसे परिचय मतलब रिलेशन में खरों से पड़ता है, वो राकेश गुप्ता है ना, वो हमारे रिलेटिव है। ओके ओके बहुत सुंदर यस सर, बहुत सुंदर हाँ। बहुत सुंदर। और उधर तो खरों के पास गांव है स्यावनी, वहाँ हमारे मामा वगैरह है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यस सर, आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारे जितने भी राजनेता जितने भी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हैं इन सबको हराने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर जो अंग्रेजों ने यस सर, भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए उत्कंठित करने के लिए अपमानित करने के लिए यस सर, और शोषित करने के लिए और देश के लौटने के लिए जो कानून बनाए थे वो सभी कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हुए। हाँ बिल्कुल रखे हैं। और जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है जो हाँ, कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए और उन्हें सूली पे चढ़ाने के लिए थी, आज भी वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई। लागू है, बिल्कुल बात सही है। और 75 साल बीतने के बाद और आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के बावजूद भी ये हमको शुद्ध मूर्ख बनाते रहे, लेकिन एक भी दुष्ट ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, हम उसे पारदर्शी बनाएंगे अकाउंटेबल बनाएंगे, यदि वो कोई गलत निर्णय नहीं, लेगी तो उसे दंड तो मिलेगा ही, साथ में उसे कंपनसेशन देना होगा और जितनी क्षति होगी उस क्षतिपूर्ति के साथ साथ डबल कंपनसेशन देना होगा। तो आधा पैसा सरकार के पास जाएगा और आधा हाँ पैसा हाँ क्षतिपूर्ति का जो है वो जिसकी क्षति हुई है उसके पास जाएगा। उसके पास आएगा। हाँ तो आपको नहीं लगता है जो मॉडल हमने दिया है वो आपको समझ में आया है क्या? अभी हमने डिटेल तो नहीं पढ़ा, बट ये सारी चीजें तो बिल्कुल मतलब है, सही बात है। ये तो हम देखते आ रहे कई टाइम से। नहीं तो आप ये बताइए, यदि 21 लक्ष्यों के साथ ये देश जो है इतना बदल जाए कि गुलामों के नियम कानून बदल जाए, बिल्कुल बात सही है, जो प्रशासनिक पुराने को व्यवस्था जो बादशाही हाँ है उसे वो पारदर्शी हो जाए, ठीक पारदर्शी बनाए, बिल्कुल बात है सही है। ना, किसी ना किसी को तो निर्णय लेना होगा, तो निर्णय लेने की क्षमता तो किसी को देना ही होगी, लेकिन हाँ हाँ वो अकाउंटेबल हो, यदि वो जानबूझ अकाउंटेबल के गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना पड़े और वो भी डबल, राइट? डबल। तो फिर आपको नहीं लगता है कि ये सभी लोग सही निर्णय ही लेंगे? लेना बिल्कुल लेंगे, लेना पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो लेना पड़ेगा सब। पड़ेगा, राइट? और हाँ यदि आपको कहा जाए कि आपको टैक्स फ्री भी कर दिया जाएगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल यदि आपको ऐसा जो है सिस्टम दे दिया जाए कि बिना थाने हाँ जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए और हाँ झूठी एफआईआर करोगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ आपको जेल भेज दिया जाए, हाँ यदि ऐसी व्यवस्था आपको मिल जाए कि 15 दिन में अकाट साक्ष्य जो पुलिस की सोच के और रडार के बाहर है वो भी इकट्ठे हो जाए और 15 दिन में चालान हो जाए और 3 से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए, सॉरी बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल हो जाए क्राइम फ्री भारत के जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाए, करेक्ट? ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बचेंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपका नियम कानून अच्छे वाला होगा। अभी तो देखो हाँ इतना दुष्ट कानून है कि एक व्यक्ति को मारो या 25 व्यक्तियों को मारो सजा वही एक सजा है, एक है। हाँ है? आप उसको गला दबा के मान रहे हो या उसकी बोटिक बोटिक काट के जो है ना उसे अंगीठी में जला रहे हो हाँ वो तो भी सजा एक ही है, हमने एक ही है। उसे दुष्टतापूर्वक संगे असंगे और सिविल में जो ना उसको बांट के रखा है, अरे सामने वाले के साथ अन्याय हो रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, और हम तो उल्टा कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में तो फरियादी को भी पैसा मिलेगा हाँ जिससे कि कोई भी जो है ना जिसके साथ गलत हो वो अनावश्यक कुछ नहीं करे। नहीं, फरियादी को रिपोर्ट करने का पैसा मिलेगा, अच्छा क्योंकि देखिए फरियादी को रिपोर्ट करने का पैसा मिलेगा, हाँ गवाही जो देगा उसे गवाही देने का पैसा मिलेगा, फॉरेंसिक हाँ साइंटिस्ट जो अपना काम करेगा उसे उसका पैसा मिलेगा, उसका ठीक पैसा, क्योंकि वो है सारे ना? लोग काम कर रहे हैं, वो अपना हाँ जो है गवाही वाला है वो अपना टाइम निकाल के आ रहा है, तो
उसका नहीं जो उसे तो आना ही सर्टिफिकेट नहीं थी वो पड़ेगा भी। ना, आप तो अपने घर से ही हाँ होगी ना। फिर भी कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ता है ना, घर पे भी दे हाँ रहा टाइम, टाइम तो हाँ लग रहा ना उसका। हाँ तो अभी तो जो है उसकी गवाही होती है और 5 बार जाता है और गवाही होती नहीं है, बेचारे को मुंह जो है ना झुकाए आ जाना पड़ता है, और अभी उसके कोई चिंता नहीं पालता है। बदले हुए सिस्टम में उसे उल्टा पैसा मिलेगा और वकील को भी पैसा मिलेगा, डिफेंस लॉयर को भी, फरियाद जो है ना किसी अपराधी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, डिफेंस लॉयर का पैसा भी क्राइम गवर्नमेंट को। फ्री भारत इंजन ही देगा, और जजेज को भी देगा और सभी को देगा। और फिर जितना पैसा बांटेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तो अपराधी से वसूल कर लिया जाएगा। आप बताओ कितना पैसा देने की औकात क्या अपराधी की रहेगी? तो किसी की नहीं है। आपसे यदि धोखे से अपराध हो जाएगा तो आप दौड़ के जाके कहेंगे मुझसे ये अपराध हो गया है, जो आप आप तो जो खुद ना ही दंड देना जाके चाहते हैं मुझे दंड दे दो, क्योंकि इसके बाद तो इस मुझे, सारी हाँ चीजों से बचेंगे। हाँ इतना सारा बच जाएगा भैया, और जो है 45 दिन में वैसे भी न्याय हो जाना है, तो आप बहुत समय तक तो बच हाँ भी हाँ नहीं पाओगे। तो हाँ ऐसे भारत को आप उतारना नहीं चाहोगे? बिल्कुल नहीं, व्यवस्था तो ये यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो यदि इसमें आपको दो तरीके की भूमिका दी गई है, क्योंकि लोग दो तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जो पीछे रहना चाहते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो क्राइम फ्री भारत अच्छा। मिशन के सदस्य की जो एक शपथ है उसका पालन कर लें, छोटी सी शपथ है, 9 दिन का काम है, 9 दिन में ही आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा। आपके जो है ना लोगों को और आपको एक अच्छी व्यवस्था हर हालत में मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ अच्छा, अब दूसरे लोग हैं जिनमें ज्यादा एनर्जी है, जो स्वयं हाँ जो है इस व्यवस्था को बनाने में भी भाग लेना चाहते हैं। हाँ, एक्टिव रह के। तो उन जो फ्रंट क्रीज पे आके खेलना चाहते हैं हाँ उसे हाँ हमने चंद्रगुप्त कहा है। अच्छा। तो जैसे अज्यूम करिए जो जिसकी सोच है कि वो विधायक बनना चाहता है तो वो विधायक की शपथ ले ले, विधायक की चंद्रगुप्त की शपथ, राइट? हाँ यदि कोई सांसद बनना चाहता है तो सांसद ही चंद्रगुप्त की शपथ ले ले, राइट? और हाँ उसका जो है, जैसे अभी तक हमारा विचार था कि 2024 में ही हाँ हम जो है खाता खोलेंगे अपने चंद्रगुप्तों का, राइट? लेकिन अच्छा। अभी कुछ दिन पहले ही ये विचार बदला है कि हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अभी के जो होने वाला है उसको करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि क्योंकि जो है जब आप केंद्र में यदि आप पूरे 543 लोगों को भी पराजित कर देंगे तो हाँ एक विडंबना फिर भी बनी रहेगी राज्यसभा की। हाँ राज्यसभा में ये सभी 100% ये दुष्ट रहेंगे, आपको एक काम नहीं करने देंगे, राइट? नहीं करने देंगे। तो हमें ऑर्डिनेंस से काम चलाना पड़ेगा, राइट? यदि हम यहाँ पे आ जाएंगे तो चाहे देश का बदलाव ना कर पाए लेकिन प्रदेश का बदलाव तो हो जाएगा, हाँ क्योंकि संविधान का जो शेड्यूल 7 है उसकी लिस्ट 2 में जो जिम्मेवारियां राज्य सरकार की हैं उसके तहत पूरे संवैधानिक अधिकार आपको प्राप्त हैं, तो उतना काम हाँ तो आप कर सकते हैं, और केंद्र को चलिए। सलाह देते रहेंगे, वो नहीं मानेगी तो और एक्सपोज होगी। यदि एक जो है मुख्यमंत्री, यदि एक प्रदेश के और 2 या 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखेंगे और सुझाव भेजेंगे तो हाँ उसको तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कम से कम इनका कुछ जो तो है ना, करेंगे। हाँ नहीं, इनका इनकी सोच तो एक्सपोज होगी ना, वो भी होगा। और है कि नहीं? तो आप जो है पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति हैं या क्रीज पे खेलने के मूड में हैं? अभी ये तो डिसाइड तुरंत नहीं कर सकते हाँ, तो इसके उसमें लिए। उसमें सदस्यीय शपथ है वो देखिए जरा, उसको आपको जाओगे हाँ तो हाँ आपको उसमें मिल जाएंगे वो शपथ वगैरह सब, राइट? डॉक्यूमेंट ठीक है। हाँ, हाँ उसमें जो है आप पुरानी पोस्ट देखेंगे हमारी तो उसमें आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी मिल और हम जाएंगे समय ठीक समय पे उसको रिपीट भी करते रहते हैं, तो है। हाँ आप जो है ना जो वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो सब डिटेल मिलेंगे उसमें, ठीक है ना? ठीक है, देखेंगे उसको। तो अभी हाँ तो जस्ट क्या है कि वो गवोई का जो वो है ना अपना ग्रुप है, उसके थ्रू मैसेज आया था आपका, तो उसको हमने वो ऐप डाउनलोड करके उसको वो किया था। अब आपको जो है इसमें जो 9 दिन की शपथ है वो बड़ी सिंपल सी है। एक तो है ऊर्जाकृत करना, राइट? तो अच्छा हमने जो बातचीत की है यही ऊर्जाकृत करना है। अच्छा तो ठीक है। इसके लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब एक चैनल है, हाँ तो देखा है, आप, वो भी लिंक दिया है।
हाँ, तो उस लिंक पे जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको जो है आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक और है। उसमें जो वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, तो जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत करना चाहते हैं, उन ऑडियोज के सामने से वीडियो के साथ आप उनको ऊर्जाकृत कर पाए, ठीक है ना। कर फिर सकते हैं ठीक है। दूसरा है संकल्प। तो मूल संकल्प ये है कि 10-10 व्यक्तियों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़ना है, टोटल 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। यदि हम ये काम 9 दिन में ना कर पाए, तो जितने दिन में कर पाए, जैसे ही आपका 90 दिन का संकल्प पूरा होता है, तो आपका सदस्यीय संकल्प पूरा हो गया, ठीक है ना। ठीक, नहीं ये तो हो जाएगा, वो कर देंगे। आज ही हमने 5 लोगों को फॉरवर्ड किया है और बोल फॉरवर्ड भी से काम नहीं देगा। चलता। देखिए ये देखिए नहीं इस बोलेंगे भी उनको, बोलेंगे नहीं और देन लग नहीं जाएगा। नहीं 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 ऐसे नहीं करना है। अच्छा पहले उनसे बातचीत करके उनको जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस में या फेस टू फेस बैठ के एक आध दो वीडियोस देख के, चर्चा देख के, उनकी उनके अंदर ऊर्जा पैदा करना है। इसके बाद फिर उनसे संकल्प लगाना है, राइट, जैसा अब हम 90 लोगों को जोड़ेंगे। और ये सदस्यीय संकल्प है, ये चंद्रगुप्ती संकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर इसमें एक शपथ है, वो शपथ भी लेना है, ठीक है ना। शपथ ठीक है है। कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनकर क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं उन्हें जमीन पर उतारूंगा, ठीक है ना। ठीक है। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जो अपन व्यवसाय में यहाँ वहाँ जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होने के कारण जो हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, उसे क्षय नहीं होने देंगे, बल्कि उसे और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बढ़ाएंगे। फिर इसका तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े लोग उनको ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करूंगा और क्राइम फ्री भारत से जोड़ूंगा, राइट। जोड़े और ठीक इसके लिए 7 दिन की कार्रवाई दी गई है। पहली कार्रवाई है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। ये सोमवार की कार्रवाई है। अच्छा मंगलवार की कार्रवाई है कि मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। फिर जो अच्छा है बुधवार की कार्रवाई है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, राइट। फिर गुरुवार की कार्रवाई है कि जो जिन भी सर्कलों से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे इतने वर्षों के सर्कल हैं, के चाहे वो व्यापारियों के हों, चाहे इसके हों, चाहे जो भी सर्कल हैं, चाहे जैसे गौरी समाज का सर्कल है, या चाहे जो भी हो, तो उन लोगों को, जो लोग हमसे बरसों से जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें भी हम ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर क्राइम फ्री भारत से जोड़ूंगा, ठीक है ना। फिर जो है शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, राइट। फिर जो अच्छा है शनिवार का है कि मैं बुजुर्ग लोगों को जोड़ूंगा, बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ूंगा। तो जो आज बुजुर्ग मार्जिनलाइज हो गए हैं, बहू बेटे जो है ना अभी बिजी हैं, उनके बच्चे भी जो है ना पढ़ने लिखाई के बस्ते में इतने बिजी हो गए हैं, तो जो आज जो है बुजुर्ग लोग जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भी अट्रैक्ट। हाँ उन्हें एक जीने का मकसद मिल जाएगा और देश के बदलाव में और अपने लड़कों को, अपने पोतों को एक अच्छा भारत देने में उनकी भूमिका बनेगी, तो उन्हें अच्छा लगेगा, राइट। तो ये है शनिवार का संकल्प। और फिर रविवार का संकल्प है कि हमारे पास जितने भी आसपास समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके उनको जोड़ूंगा। तो ये तीनों चीजें मिलके ये सामान्य सदस्य की भूमिकाएं हैं, राइट। तो हमने फॉरवर्ड जरूर कर दें, लेकिन उन्हें बातचीत करके जोड़ना है, बातचीत करके। हाँ ठीक जोड़ना है ना। ठीक है। तो एक तो वो काम करना है। और इसके बाद आपको जो है, यदि आप क्रीज पे खेल के स्वयं विधायक, सांसद और वो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिस स्तर का बनना चाहते हैं उस स्तर की शपथ लीजिए। और फिर आपको जो है मोहल्लों में जहां भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर बैठिए, लोगों के साथ शपथ करिए और उनको जो है ना ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ते जाइए। जोड़ने जाए ठीक है। तो जब सांसद का आएगा, तो ऊपर के 543 लोग जो देश भर में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, वो उन्हें सांसदी चंद्रगुप्त घोषित करके उन्हें टिकट मिल जाएगा। और तब तक जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्यों की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा होगी। सब तो हाँ हो जाएगी। वो बड़ी आसानी से
बिना चुनाव प्रचार के अपने छत पे ही खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों के बारे में जब वो शपथ लेंगे तो इन सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो, क्यों नहीं होंगे। और यही व्यवस्था फिर जो है विधायकी चंद्रगुप्तों की होगी, यही व्यवस्था जो है फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जिला स्तरीय होगी, पंचायत, फिर हाँ यही व्यवस्था मेयर स्तरीय होगी, यही व्यवस्था फिर पंच सरपंच और पार्षद स्तरीय भी हो। पार्षद स्तरीय, तो जो फ्रंट की क्रीज पे जिस स्तर के जो है ना सोच रखते हैं, उस स्तर का प्रयास करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आ हाँ जाएंगे। तो हाँ यदि आप यूपीएससी में बैठकर यदि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करके प्रीलिम में पास होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूर। बाद में मेन में भी होना पड़ेगा और फिर बाद में इंटरव्यू में भी होना इंटरव्यू पड़ेगा, में बोलूँ, और इंटरव्यू और रिटन के मिला के मेरिट लिस्ट में भी आना होगा। तो लगभग लेकिन हर चीज आपके खुद के हाथ में है ना, यदि आप मेहनत करेंगे तो हो हाँ हाँ जाएंगे दोनों। मैंने तो, वो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यही चीज इसमें है कि यदि आप मेहनत करेंगे और मेरिट लिस्ट में यदि अपनी जगह बना लेंगे तो अपने आप टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्च के जीत भी जाएंगे और विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। पूरी पारदर्शी व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं ये तो सही है कि नहीं? है सर। तो आज जो स्पेशली जो गहोई समाज और बनिया समाज जितना प्रताड़ित है, जिसे बहुत हर तरीके से शोषित किया जा रहा है, टैक्स का ज्यादा बोझ बर्डन डाला जा रहा है, टैक्स के कंप्लायंस बिल्कुल और भी बहुत खतरनाक कर दी गई है, बहुत आपसे ज्यादा। चंदा से लेके हर चीज वसूली जा रही है, यदि आप चंदा नहीं देंगे तो आपके साथ तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, आपको झूठे मुकदमे में बिल्कुल फंसा बिल्कुल, कई दिया जाएगा, तरह की। आपकी औकात नहीं है कि आप इनकी बात ना माने, है कि नहीं? बिल्कुल तो आपको नहीं लगता है कि आपको जो है ना एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है इस मॉडल के नाम से? नहीं, नहीं बिना है तो बहुत बढ़िया ही, इसको तो कर बिल्कुल करना चाहिए। चलिए तो एकदम मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सोच लीजिए कि आपको किस स्तर पे ठीक करना है, पर्दे के पीछे चलना है या ठीक है। फ्रंट क्रीज पे खेलना है, किस स्तर के क्रीज पे खेलना है, और लेकिन भिड़ आज से ही जाइए, है ठीक है, नहीं हो ना? तो खैर, इसलिए तो हम जिससे कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो है अभी राजस्थान। 2023 में ही हम अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, तो जो थोड़ा सा समय पहले जो बचा है लोकसभा के लिए राजस्थान। था वो थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा था, तो अब समय और कम हो गया है। लिहाजा यदि हम विधायकी चंद्रगुप्त की यदि अपेक्षा रखते हैं तो हमें उसकी शपथ भी लेना है और शपथ लेके एकदम भिड़ जाना है और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगे तो अपने आप हो जाएगा, है ना? 5 पैसे भी खर्च नहीं। आज बताइए आपको क्या विधायक का टिकट मिल सकता है? नहीं मिल सकता, करोड़ों रुपए दोगे तो भी नहीं मिलेगा, नहीं राइट? मिलेगा, और फिर जीतने नहीं के लिए बिल्कुल भी करोड़ों रुपए खर्च करना होंगे, चाहिए बगैर और फिर आपको कुछ मंत्री कोई, बनाएंगे क्या? ये कभी नहीं वो भी बनाएंगे, नहीं तो है, नहीं। इसमें मेरिट लिस्ट में होगे तो अपने आप मंत्री बन जाओगे, है कि नहीं? चलिए तो इसी संवाद ठीक है, को अब अपन समाप्त करते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पूरी शक्ति से पेपर सानिया जी भिड़िए और यस सर। देश के कल्याण के लिए लग जाइए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण करिए। ठीक है सर, चलिए, बिल्कुल जय हिंद, जय जी, भारत, वंदे ओके सर, मातरम।